किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो ग्रीन हाउस आप कैसे बनाएं, यानी कि कम खर्च में आप ग्रीन हाउस को कैसे बनाएं और इसके क्या लाभ हैं, तो पूरी जानकारी दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है ग्रीन हाउस, जिसके अंदर आप पोली हाउस कह सकते हैं इसे या ग्रीन हाउस कह सकते हैं आप। इसके अंदर नर्सरी को तैयार किया जाता है, या आप किसी भी प्रकार की, जो जैसे कि आपकी बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, उनकी भी आप इसमें खेती कर सकते हैं। तो आप इसे कम खर्च में और बांसों से, ये बांसों से बनाया गया है, कैसे बनाएं, तो इसके बारे में आज मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें कितना खर्च आता है बनाने में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसके अंदर हम आ गए तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, अगर इसके एरिया की बात करिए कितना बड़ा एरिया का है, तो दोस्तों ये 200 वर्ग फुट के अंदर बना हुआ है, 200 वर्ग फुट के अंदर ये पूरा बना हुआ है। और स्वाद करते हैं बनाया कैसे गया है। सबसे पहले इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बांसों की, देख सकते हैं अगर इसकी बांस की बात करें तो, अगर इसकी सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं, अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई 50 फुट है, 50 फुट इसकी टोटल लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात करें, ये वाली चौड़ाई की, तो ये 17 फुट इसकी चौड़ाई रखी गई है, 50-17 इसकी चौड़ाई रखी गई है। अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों इसकी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 10 फीट इसकी ऊंचाई रखी गई, यानी कि कैनोपी जो इसकी है वो 10 फीट पर है। और ये साइड की जो है इसमें, ये है 5 फीट हमारी, और इधर की साइड की भी 5 फीट, 10 फीट दोनों तरफ 5 फीट आपको रखनी है इसके लिए कैनोपी, यानी कि आपको कैनोपी इस तरीके से बनानी है इसकी, इस तरीके से आपको बनाना है। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की सबसे पहले आवश्यकता होगी। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको बांस चाहिए इसके लिए, और बांस आपके खोखरे नहीं होने चाहिए, मजबूत बांस होने चाहिए आपके, जिनका साइज आपका लगभग 3 से 4 इंच होना चाहिए, मोटाई के होने चाहिए, और इसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरे इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी तार, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तार होता है जो हमारा लोहे का, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसकी बात करें, तीसरा आपको रस्सियों की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और जो हमारी कीले होती हैं उसकी भी इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बांस लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका, जैसे कि ये 10 फीट का हमारा बांस है, मजबूत खोखरा नहीं लेना है, तो आपका गड्ढा किया जाएगा। सबसे पहले आपको इस लाइन में देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रत्येक जो हमारा बांस से बांस की दूरी है, अगर इसकी बात करें दोस्तों, ये 6 फीट पर है, बांस से बांस की दूरी आपको इसमें जो बीच की लाइन होगी हमारी, ये आपको 6 फीट पर यहाँ पर रखनी है। और उधर ऐसे ही साइडों में जो हमारी 5 फीट पर होती है, वो भी आपको इसमें 6 फीट पर ही रखना है। और दोस्तों, अगर आप सबसे पहले इसमें गड्ढा किया जाएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पर ये गड्ढा किया जाता है, इसमें आपको गड्ढा कर देना है, लगभग आपको 2.5 से 3 फीट गहरा आपको जमीन में गड्ढा करना है। और गड्ढा करने के बाद जब आप इसमें बांस को डालोगे, तो सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपका जब ये आप इसमें डालोगे तो आपका बांस जमीन से नीचे से गल जाएगा, तो या तो आप उसमें लगभग 2.5 फीट उसमें आप पन्नी से नीचे से लपेट दें अपने बांस में, जो हमारी पन्नी होती है उसको लपेटने के बाद आप अपने ज़मीन में अपने बांस को गाड़ें। और हमेशा ग्रीन हाउस पोली हाउस आप वहीं पर ही बनाएं जहां पर आपका पानी भराव ना होता हो, जल निकास अच्छा हो, जहां पर पानी ना भरता हो, नहीं तो आपके बांस गल जाएंगे। ये लगभग 3 से 4 साल तक आपका चलता है, तो आप वहाँ पर गड्ढा करके अपने बांस को पन्नी लगाकर हमेशा इसे 2.5 से 3 फीट आप इसको गाड़ दीजिए ज़मीन में। और ज़मीन में गाड़ने के बाद ये कैनोपी टाइप का आपको बनाना है। ये देखिए, ये पूरा हमारा यहाँ पर इसकी लंबाई 50 फीट है, 50 फीट आपको इसमें लेके चलना है, ऊपर से इस पर रख के डंडे को आपको इस तरीके से बांध देना है लोहे के तार की सहायता से। और जहाँ पर ये इसका जोड़ होता है वहाँ पर आपको कील की, जो हमारी नुकीली कील होती है, उसे आपको उसे ठोक देना है, यानी कि जोड़ देना है आपको उसमें, और इस तरीके से आपको ये 50 फीट लंबा कर देना है। 50 फीट लंबा करने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी ये वाली चौड़ाई की, इसको आप 17 या 20-25 तक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना आप इसको छोटा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी लाइफ रहेगी। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो हवा के कारण थोड़ा इसमें खतरा रहता है, तो इसलिए आप कोशिश करें छोटा बनाएं। ये तो हमने ज़्यादा बड़ा बना हुआ है यहाँ पर, ये तो आप लगभग 100 वर्ग फुट के अंदर ही इसको बनाएं, 100 वर्ग फुट के अंदर, ये 200 का है तो इसका आधा आपको बनाना है तो शुरुआत में। और दोस्तों ये देखिए बांस यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरीके से आपको, जैसे कि मैंने बताया था, इस डंडे से डंडे की चौड़ाई आपको 6 फीट रखनी है, 6 फीट रखकर यहाँ पर ये डंडा, ये बांस का हमारा है, खोखरा कोई भी बांस ना हो जो बीच से मुड़ जाए, इस तरीके का कोई भी आपका बांस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये हमने डंडा को रख दिया, यानी कि बांस को रख दिया, बंबू को रखने के बाद ये देखे दोस्तों, कीलों की सहायता से मजबूत, लगभग 3 से 4 साल चले, इस तरीके से आपको इसमें काम करना है। अगर आप इसको रस्सी से बांधेंगे तो वो लगभग आपकी 1 या 1.5 साल बाद वो गल के टूट जाएगी, तो आपको अच्छे से कील ठोक कर इसको, इस वाले को भी
और इसको भी ऐसे करके बांध देना है, यहाँ पर भी कील लगाकर अच्छे से 2 से 3 लपेटे देकर इसको जड़ देना है। और इसी तरीके से जितने भी हमारे जोड़ होंगे, चाहे वो बीच में हो चाहे आपके साइड में हो, जहाँ पर भी आपके जोड़ हैं, मैं आप इसी तरीके से कसे। और दूसरा ध्यान, यहाँ पर हमने एक बांस नहीं लगाया, 2 बांस लगाने हैं आपको, ताकि और ये वाला बांस, ये वो हमारा यहाँ वाला बांस है, इससे आधा फीट बाहर होना चाहिए। मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा, आधा फीट बाहर होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर ये बाहर है अभी। तो इस तरीके से बाहर रखें इसको, उसके बाद ये कर देने के बाद आपको, अगर बात करें सबसे अब इसके लिए, आपको जब आपका ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा बांसों से मजबूत करके, तो अब आपको ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ग्रीन नेट होती कैसे है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन नेट अभी है हमारे पास, तो ये ग्रीन नेट होती है, काफ़ी मजबूत होती है, ये जालीदार होती है, ये देखिए काफ़ी मजबूत, फटती भी नहीं है। तो ये लेनी है आपको, ये बाज़ार से मिल जाएगी, कहीं अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं बाज़ार गोदाम की किसी भी दुकान से सस्ती मिल जाएगी आपको, ये ले लेनी है। ये लेने के बाद आपको करना क्या है, इस अपने पूरे बांस के जो साँचा बना हुआ है आपका, ये कैनोपी टाइप का, इस पर आपको मंडल खोलकर इसको बिछा देना है, और जहाँ पर भी इसका जोड़ आए, जैसे कि देख सकते हैं ये जोड़ है यहाँ पर, इसका जोड़ जहाँ पर भी इसका जोड़ आएगा, वहाँ से डबल या तिबल आपको उसकी अच्छे से सिलाई कर देनी है, ताकि उसमें कोई भी हवा का गैप ना रहे। तो इस तरीके से सिलाई कर देनी है, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी की है। इसका जो जोड़ होता है वो पूरा एक साथ नहीं कवर आएगा आपका, तो आपको यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सिलाई करनी है आपको, इस तरीके से सिलाई कर दे और कहीं से ये फटे ना, तो इस तरीके से इसको अच्छे से बांध दे कि साइडों में भी, और साइडों में एक विशेष ध्यान रखे इसका, जैसे भी हम साइडों में जब इसको लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इसको साइडों में, ऐसे ढाल देते हैं नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर की साइड, तो आपको इसमें साइड में ढालने के बाद बाहर की साइड आपको इसमें पन्नी लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में अभी देख सकते हैं इस तरीके से, ये बाहर में बाहर की साइड पन्नी लगी हुई है। पन्नी क्यों लगी हुई है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये पन्नी इसलिए लगी हुई है जब आपकी हवा चलेगी या आपकी साइड से या ऊपर से जो पानी इसमें जो एकदम अंदर तो नहीं गिरेगा, छन छन के आएगा, तो वो साइड में किनारे में निकलेगा, और दूसरा साइड का जो पानी होगा वो ज़्यादा हवा का तेज़ बहाव होता है तो आपका अंदर लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो साइड में पन्नी होगी वो पन्ने पर ढल जाएगा, तो साइडों में पन्नी होनी ज़रूरी है इसके अंदर, हवा साइड से ना है ऊपर से रहे, इसके ऊपर हवा धूप सब ऊपर से रहे तो अच्छा रहेगा, साइड से नहीं। तो देखिए जैसे कि इसमें साइड में पन्नी लगी हुई है, जो हमारी पोलियो हाउस की पन्नी होती है उसका यूज़ करें, जो पतली पन्नी की चादर होती है उसका यूज़ ना करें। ये देखिए यहाँ पर ये डबल हो गया, तो डबल आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और दोस्तों इसे बनाने में लगभग, अगर खर्च की बात की जाए दोस्तों, 200 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपका खर्च की बात करें तो 25 से 30 हज़ार बांस के साथ कंप्लीट आपका इसमें खर्च आएगा। लेकिन दोस्तों आप 200 वर्ग फीट का ना बनाएं, इसको आप 100 वर्ग फीट का बनाएं, जिसमें आपका खर्च भी कम आएगा और वो सही भी रहेगा, जिसमें लगभग आपका जो खर्च होगा 12 से 15 हज़ार ही आपका इसमें खर्च आएगा। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाएं और हमें फॉलो करें, और मैसेज के माध्यम से आप हमसे पूरी बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई बात रहे तो आप हमसे मैसेज से बात कर सकते हैं। तो जल्दी इसी प्रकार के दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।